तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज है 7 नवंबर और सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं अपने वाराणसी के ललिता घाट पर। और आज के वीडियो में मैं आपको 7 नवंबर का यानी कि देव दीपावली के दिन काशी विश्वनाथ धाम में दिखाने वाला हूं। काफ़ी दिखाया तो फूल मालाओं से सज धज कर बहुत ही खूबसूरत वह बन गया है। और यहाँ की जो चहल पहल है मैं उसे भी दिखाऊँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है ललिता घाट, ऊपर है पशुपतिनाथ मंदिर और इस रास्ते से चले जाएंगे सीधे दशाश्वमेध घाट के लिए। और फिलहाल देखा है तो वर्तमान समय में देव दीपावली को देखते हुए इस रास्ते को आगे यानी कि मणिकंठका घाट अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से ऐसे अगर जाएंगे तो आगे उसे बंद किया गया है, बैरिकेड लगाया गया है। फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर साउंड लगाया गया है, यानी हो सकता है रात के समय कोई शो हो जिसकी वजह से ये देख रहे हैं साउंड लगा हुआ है। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं पूरा सीढ़ियों पर पूरा झूमर झालर लगा हुआ है। ये जो किला देख रहे हैं किला पर भी झूमर लटकाया गया है। और ये देख रहे हैं पूरा फूल मालाओं से जो कि गंगा द्वार को भी सजाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि देखिए अगर इस साइड से यानी कि गंगा द्वार तो बंद है, तो एक रास्ता मैं और भी बता दे रहा हूँ कि यानी कि ये ललिता घाट से ऊपर जाते हुए एक रास्ता गया है जो कि काशी विश्वनाथ धाम के लिए चला जाएगा। तो चलिए मैं उसी रास्ते से आपको लेकर चलता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो सीढ़ी है इसी सीढ़ी के माध्यम से आपको चलना है। ये देखिए इस साइड भी पूरा झूमर लगाकर सजाया गया है, झूमर झालर लतर और फूल माला है जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। चलिए इस रास्ते से जाएंगे तो इस साइड से भी चले जाएंगे ललिता घाट यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर। ये देखिए यही जो सीढ़ियां हैं यही जाएगा इस साइड, देखिए पशुपतिनाथ मंदिर के लिए चले जाएंगे। और यह है विश्वनाथ धाम और यहाँ पर भी एक मंदिर है जिसका नाम है श्री राज राजेश्वरी मंदिर। जाने का यह रास्ता है और अभी मैं पहुँच चुका हूँ काशी विश्वनाथ धाम के अंदर। ये देखिए ये है मानसरोवर, ये देख रहे हैं। कार्तिकेय वाटिका, ये देखिए कार्तिकेय जी का ये प्रतिमा है। तो फिलहाल चलिए हम लोग चलते हैं इधर, आपका गंगा घाट से आपको नज़ारा दिखाते हैं, तब मैं आपको लेकर चलूँगा गंगा द्वार साइड, मैं वहाँ कभी दिखाऊँगा हाल, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए पूरा स्कूल का भी ग्रुप आया हुआ है काशी विश्वनाथ घूमने के लिए और वाराणसी के घाट को भी घूमने के लिए। देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है। ये देखिए सामने देख रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर है और यहाँ पर देखिए रस्सी लगाया गया, रस्सी इसलिए लगाया कि यानी कि रस्सी के उस पार ना जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं के रस्सी के इसी साइड से आप देख सकते हैं गंगा नदी का नज़ारा। और इस समय देखिए गंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा चाल वाला आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हैं तो फिलहाल चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों आगे जाने के बाद देखिए गंगा दर्शनम यानी कि इस साइड जो है लॉकर सुविधा निःशुल्क बनाया गया है। मैं बार बार आप अपने वीडियो के माध्यम में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बाहर से अगर लॉकर सुविधाएं अपना यानी जमा करेंगे तो आपको पैसा लगेगा, यहाँ पर देखिए निःशुल्क है।
ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये है गंगा द्वार। गंगा द्वार के यानी कि गंगा साइड में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस साइड भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार अपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नज़ारा, ये देख रहे हैं पूरा सजाया गया है। एक देखिए इस साइड भी गैलरी है, फिलहाल इस गैलरी में आप विश्राम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, और यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा भी आप ले सकते हैं। सामने से भी किनारे से गंगा द्वार का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस साइड से देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है। और आगे जाने के बाद बाएँ साइड में जो कि मणिकर्णिका घाट है, देखा है तो पूरा 2400 घंटा यहाँ पर जो कि सौ जलाया जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा लतर लगा हुआ है। ये देखिए ये है मणिकर्णिका घाट, सामने से भी गंगा नदी का नज़ारा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक उस साइड लगा हुआ है और एक उस साइड लगा हुआ है। तो चलिए हम निकलते हैं बाहर, कोशिश करूँगा कि मैं आपको लेकर चलूँ शंकराचार्य चौक। तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देख रहे हैं चारों तरफ गेंदा के फूलों से काशी विश्वनाथ धाम सजाया गया है, और पूरा देख रहे हैं ये पूरा टोकरी में पूरा भर के पूरा स्टॉक आया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने पूरा टोकरी फेंका हुआ है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए आगे जाने के बाद यहाँ पर स्वामी शंकराचार्य जी का मूर्ति यानी प्रतिमा है, और इसी के पीछे से एक रास्ता है जाने की मणिकर्णिका घाट के लिए भी आप चले जा सकते हैं। मणिकर्णिका द्वार यानी गलियों के माध्यम से होते हुए, क्योंकि मणिकर्णिका घाट और मणिकर्णिका द्वार के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक्सीलेटर है, यानी कि जो चल नहीं पा रहा जो बुजुर्ग है वो एक्सीलेटर के माध्यम से जा सकता है, या फिर यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के माध्यम से जाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत इसे सजाया गया है गेंदा के फूलों से, ये देख रहे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर भवन। ये देखिए इस साइड जो है रेलिंग इसे भी सजाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा यानी कि 7 दिसंबर देव दीपावली के दिन ज़बरदस्त वाला भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं बहुत से लोग हैं जो कि छांव में विश्राम कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 7 नवंबर यानी देव दीपावली के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त का भीड़ लगा हुआ है। हालांकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस साइड भीड़ लगा है, उसी प्रकार देखेंगे तो गेट नंबर 4 साइड में भी लगभग आधा किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है। फिलहाल देखिए मोबाइल इसी साइड से लेकर जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि शंकराचार्य चौक पहुंचने में मुझे लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, जो कि लाइन में ही लगना है, क्योंकि आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त का भीड़ लगा हुआ है अपने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देख रहे हैं लाइन लगा हुआ है, आगे जाने के बाद चेकिंग होगा, हालांकि मोबाइल आप ले जा सकते हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त लाइन लगा हुआ है, और यह जो लाइन लगा हुआ है ये लगा हुआ है गंगा द्वार से। ये देखिए सबसे पहले जो था लॉकर सुविधा उपलब्ध था वो था इस साइड, फिलहाल इसे हटाकर गंगा द्वार साइड कर दिया गया है, और ये भीड़ देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं भीड़,
बहुत से लोग जो कि विश्राम कर रहे हैं। आगे जाने के बाद एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, भारत माता का प्रतिमा है और उसके पीछे जो कि है अपने भारत का नक्शा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।